आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे जी। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसके बेस पे हमारे फाइव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फाइव टाइप्स के क्वेश्चन सबसे पहले आता है जी फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड है जी रिवर्स पैटर्न बेस क्वेश्चन, थर्ड है जी पेयर पे पेयर बनाने, फोर्थ है जी अपोजिट अपोजिट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ है पोजिशन बेस पोजिशन बेस। ठीक है, फाइव फाइव टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिस बेस में। तो अब हम इस वीडियो में वन बाय वन पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या है, जैसे अपने को कोई भी डिजिट दे रखे, फॉरवर्ड का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ प्लस होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ प्लस होगा। जैसे हमारा दे रखा है ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूं बी सी डी। ठीक है, तो इसमें कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न है जी। बी से ए से बी जाने में क्या किया? प्लस वन किया। बी से सी जाने में क्या किया? प्लस वन। और सी से डी जाने में भी प्लस वन किया है। तो फॉरवर्ड पैटर्न कौन सा है जिसके अंदर एक कंटिन्यू एक नंबर एक कॉन्स्टेंट नंबर इंक्रीज होता है। अब ठीक है, यहाँ पे तो वन हुआ था, आगे ये भी तो हो सकता है ए बी सी को मैं डी ई एफ लिखूं, हो सकता है ना जी। ए से डी गए कितना है जी? ए से बी गए थ्री प्लस हुआ है, बी से ई गए इसमें भी थ्री प्लस हुआ है, सी से एफ गए इसमें भी थ्री प्लस हुआ है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में हमारा एक कॉन्स्टेंट नंबर ही फॉरवर्ड की तरफ बढ़ता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन है जी इसके बेस पे क्वेश्चन है, अगर ए सी पी डी क्या, अगर ए सी पी डी को मैं सी ई आर एफ लिखूं तो मैं तो देन पी टी यू एस को क्या लिखूंगा। ठीक है जी, हमें देखना ए से सी बड़ा है। ठीक है जी, ए से सी कितना बड़ा है? प्लस टू। ठीक है जी, सी से ई बड़ा है, ये कितना बड़ा है? प्लस टू। पी से आर बड़ा है कितना जी? प्लस टू। डी से एफ बड़ा है कितना? प्लस टू। तो अपने को इसके अंदर भी प्लस टू ही करना पड़ेगा। पी से टू एड करें पी क्यू आर, टी से टू करेंगे यू वी, यू से करेंगे इससे भी टू बढ़ाएंगे जी। यू वी डब्ल्यू और एस को दो बढ़ाएंगे, प्लस टू करेंगे तो यू वी। ठीक है, टी यू वी एस टी यू यू आ गया, दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल एजी है, इसको हमें समझना है। दोबारा से दोबारा से बताते हैं, ए सी पी डी को मैं अगर सी ई आर एफ लिखता हूं तो मैं पी टी यू एस को क्या लिखूंगा। तो इन क्वेश्चनों में मेरे को देखना है कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, प्लस टू। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हैंड एच ए एन डी. अगर मैंने हैंड को ई ओ डी आई लिखा है तो देन सिल्क को क्या लिखूंगा, सिल्क को मैं क्या लिखूंगा. ठीक है जी, अब हमें देखना है जी. देखो जैसे हमारा ए से बी बढ़ रहा है कितना जी प्लस वन. ठीक है, एच से आई बढ़ा है कितना एच आई प्लस वन. ए से बी हो गया, एन से ओ बढ़ा है प्लस वन, डी से ई बढ़ा है प्लस वन. तो प्लस वन हुआ है. अपने को याद रखना है पहले वाला डिजिट लास्ट में गया, इसको प्लस वन करके लास्ट में लिखना है. टी हो गया जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे लास्ट वाला जी, ये वाले को प्लस वन करेंगे. ट्वेल्थ पे क्या होता है जी, इलेवन पे के एल, एल हो जाएगा. अब इसको भी प्लस वन करेंगे, एल को मैं एम लिख दूंगा, आई को ये लिख दूंगा. तो ये मेरा आंसर. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू.